भागवत के बयान पर ओवैसी ने फिर एक बार जहर उफरा है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रखता है इनका बयान? देखिए मैं आपको बताऊं, ओवैसी जैसे लोग ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन्ना की मानसिकता थी और उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, ये उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और ये फिर से एक बंटवारा चाहते हैं। ये अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, अलग मुल्क में रहना चाहते हैं और मुसलमान को एक अलग थलग डालकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, चाहे वो इन्होंने बिसाड़ा का जिक्र किया हो या कहीं और का किया हो, ये सब भी ओवैसी जैसे लोगों की देन है। और मैं फिर एक बार बताता हूँ कि ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर आएँ, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। देखिए हैसियत उनकी बिहार में पता लगी है, महाराष्ट्र में लगी है, बंगाल में लगी है। वो यूपी के मुसलमान को भड़का के, मैं जानता हूँ कि यूपी के मुसलमानों में वो पैठ बना रहे हैं और वहाँ भड़का कर उन पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी औकात उन्हें जरूर बताएगी और वो ठीक से बताएगी। मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में हर आदमी रहने वाला हिंदू है, जैसे इंग्लैंड में हर आदमी, वहाँ कोई किसी की जाति नहीं है, इंग्लैंड में रहने वाला हर कोई अंग्रेज है, इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये हम पहले भी कई बार कह चुके और कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल गया था, मैं अखलाक पंचायत में बिल्कुल गया था और वो पंचायत कोई गलत नहीं थी। जिस तरीके का गाय का मीट घर में रखा गया, लेबोरेटरी ने वो डिसाइड भी कर दिया कि कैसे हिंदुस्तान में गाय का मीट रखा जा सकता है, हिंदुस्तान में किसी की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं, आप यहाँ के हिंदू की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। जब हिंदुस्तान का हिंदू गाय काटना तो दूर गाय को पूजता है और उसके बाद आप उसे काटकर फ्रिज में रखने का काम करेंगे, तो पब्लिक है, पब्लिक अगर भड़की और ऐसा कुछ हुआ, मैं उसका हालांकि समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो।